वेलकम टू माय चैनल एम जेड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एम आई का लेटेस्ट स्मार्टफोन मी ए 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास एम आई ए 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये फ़ोन है 4GB 64GB वाले वेरिएंट में, और यहाँ पर कलर लिखा हुआ है मोर देन वाइट, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस है जैसे 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा विथ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर भी कई सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब अनबॉक्स कर लेते हैं इस फ़ोन को और देखते हैं कैसा है फ़ोन और क्या है इस फ़ोन के बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो यहाँ पर खुल गया है फ़ोन, तो यहाँ पर ओपनिंग में ही आ जाता है यहाँ पर एक सेक्शन। तो देखते हैं क्या है इस सेक्शन में। तो यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल है, और यहाँ पर हमें कवर मिल जाता है, केस मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर केस है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर MI की तरफ से एक केस मिल जाता है जो काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी का है। तो और यहाँ पर आ जाता है दोस्तों हमारा फ़ोन MI A3। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर ये बाहर आ चुका है, तो इसे ओपन कर लेते हैं हम इस फ़ोन को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होगे स्टार्टिंग में ही Android 1 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये फ़ोन है स्टॉक Android। तो हम अब इसकी प्रोटेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं दूसरे बॉक्स कंटेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें नीचे एडेप्टर मिल जाता है जो हमें देता है 10 वोल्ट्स का आउटपुट, और यहाँ पर हमें Type-C USB केबल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये फ़ोन हमारा है जो सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में वो चार्जर नहीं आता है, तो हमें मार्केट से लेना पड़ता है वो चार्जर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम फ़ोन के लुक की बात करते हैं तो काफ़ी क्लासी लुक आ रहा है, और दोस्तों वेट भी बहुत नहीं है इस फ़ोन का, काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है। अगर हम फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें Android 1 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल AI कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं फ़ोन के ऊपर वाली साइड में, तो यहाँ पर सेकेंडरी माइक, IR ब्लास्टर और हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। अगर हम आते हैं राइट साइड में, तो पावर बटन और वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती है। अगर हम नीचे देखते हैं तो स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है हमारे पास सिम का ट्रे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं हाइब्रिड है या फिर है ये डेडिकेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर सिम ट्रे देखते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलती है, यानी कि हम डाल सकते हैं 2 सिम कार्ड या तो फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं इस फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों, अब फ़ोन के अंदर के फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये फ़ोन आ रहा है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 670 665 पे, और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्ज़न 9 यानी कि पाई देखने को मिल जाता है। तो अब हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंड्रॉयड वर्ज़न तो 9 देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर यानी कि पाई, और यहाँ पर कई सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों हमें, जैसे कि इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट दोस्तों और फेस अनलॉक। तो चलिए उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अभी स्क्रीन बंद है तो यहाँ पर सीधा आ जाता है फिंगरप्रिंट का निशान। तो यहाँ पर हमें रखने से फिंगर और हो जाएगा हमारा फ़ोन ओपन, और फेस अनलॉक में सिर्फ हमें करना ये है कि ये ओपन करके सिर्फ देखना है फ़ोन को। बहुत ही फास्ट है इसका फेस अनलॉक। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है इस फ़ोन के। तो यहाँ पर अगर हम कैमरे की बात करते हैं इस फ़ोन के, तो यहाँ पर 48+8+2 मेगापिक्सल के कैमराज देखने को मिल जाते हैं, वाइड एंगल, डेप्थ सेंसिंग और सब कुछ देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। अगर हम बात करते हैं सेल्फ़ी कैमरा की, तो यहाँ पर छोटे से नॉच में हमें 32 मेगापिक्सल का काफ़ी पावरफुल सेल्फ़ी कैमरा इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो हमें यहाँ पर 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में, जो काफ़ी बड़ी बैटरी है।
अगर देखा जाए तो। और ये फ़ोन हमारा फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और दोस्तों ये फ़ोन भी काफ़ी सस्ता ही है, हमें 13,000 अराउंड में ये फ़ोन मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और काफ़ी सस्ता है, जिसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है ये फ़ोन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।